जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि लोग परेशान हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसके जीवन में बाहर से आकर के क्लेश पैदा करता है, उसके परिवार में क्लेश पैदा करता है, उसके कामकाज के स्थान में क्लेश पैदा करता है, उसके समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिसे ज़्यादातर लोगों ने दुश्मन का टैग दिया है, नाम दिया है, ऐसे लोगों से परेशान है। दूसरा इंसान ऐसे व्यक्ति से परेशान है जिसके साथ में वो जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति उसके साथ जीना नहीं चाहता, या तो उसको छोड़ करके जा चुका है या साथ में रहता है लेकिन फिर भी न रहने के बराबर रहता है। मनमेल नहीं है दोनों में, दोनों के मत भिन्न भिन्न है। एक उत्तर की दिशा में चलता है तो दूसरा दक्षिण की दिशा में चलता है, इस तरह के लोग हैं। तो मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, उस व्यक्ति को लेकर के आप दुखी हैं, या जो व्यक्ति आपको नापसंद करता है उसके वर्तन व्यवहार से आप दुखी हैं। ये दो वो शख्सियत हैं जिनने आपके जीवन में काफ़ी हड़कंप मचा रखा है। तो आज का मेरा उपाय इसी पर आधारित है कि किस एक उपाय से इन दोनों ही व्यक्तियों को सीधा किया जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप इनको सीधा करेंगे। लेकिन उसके पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं आपको कि उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको करना है, जैसे जो गोधूलि का समय कहा जाता है उस समय आपको इस उपाय को करना है। वैसे आप यदि इसको लेट भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा रात न करें। गुरुवार को सूर्यास्त के थोड़े समय के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको साबुत हल्दी लेनी है, जो अक्खी हल्दी आती है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, अक्खी हल्दी लेनी है आपको। और आपके घर का कोई ऐसा कमरा आपको पसंद करना है कि जहाँ पर आपको स्पेस मिले, मतलब कोई आने जाना वाला व्यक्ति न हो, ऐसी जगह आपको पसंद करनी है। आपके घर की कोई भी ऐसी जगह आपको पसंद करनी है, और उस कमरे का आपको दक्षिण पश्चिम कोना, उस कमरे का दक्षिण पश्चिम कोना आपको पसंद करना है, और उस जगह पर आपको हल्दी रख देनी है। ज़मीन को आप साफ कर दें, उस कोने के ज़मीन को आप साफ कर दें और वहाँ पर आप हल्दी रख दें, और हल्दी के ऊपर आप जूता रख दें। जो व्यक्ति कर रहा है इस उपाय को, वह व्यक्ति स्वयं का जूता रखे। जैसे आप यदि कर रहे हैं अपने लिए तो आप अपना ही जूता रखें। यदि आप अपने पति के लिए या पत्नी के लिए कर रहे हैं तो फिर उनका जूता आप रखें। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं कि आपकी पत्नी आपकी बात माने तो आपको अपना जूता रखना है। लेकिन यदि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया है और उसको उस संगति से आपको छुड़ाना है तो फिर आपको अपने बच्चे का जूता रखना है। इस बात को आप खास ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा रहा है उस व्यक्ति का जूता आपको रखना है। मतलब यदि आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं और अपने किसी घर के व्यक्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का रखें, और यदि आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप अपना स्वयं का जूता वहाँ पर रख दें। जूते का मुख जो है, जूते का जो अग्र भाग है, वो जो कोना है वो आपको पूर्वोत्तर की दिशा की तरफ रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखें
कि वो इस तरह से बने। और अब यदि इस उपाय को आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो इस जूते के ऊपर आपको काला कपड़ा ढक देना है। और यदि आप किसी अपने प्रिय पात्र के लिए कर रहे हैं तब आपको इसके ऊपर पीला कपड़ा ढक देना है। कोरा पीला कपड़ा, कोरा काला कपड़ा जिसका पहले यूज ना हुआ हो, इस तरह का यदि घर में ना हो तो बाहर से लेकर के आ जाए और फिर उस कपड़े का आप यूज़ करें। गुरुवार के दिन करना है। जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति का ध्यान करते हुए करें। बहुत ही प्रभावशाली टोटका है। इस टोटके को करने से प्रेमी या दुश्मन कोई भी होगा वो एकदम सीधा हो जाएगा और आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से ये वर्तन करने लगेगा। 3 दिनों तक इसको आपको रख के रखना है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार को आपको इतने ही समय आपको इसको उठा लेना है, रविवार को आपको इसको उठा लेना है। और जूता और जो हल्दी थी और जो अपना कपड़ा ढाका था इसको आपको गठान लगा करके आप किसी पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं, कहीं घर से बाहर दूर चौराहे पे कहीं पर भी, लेकिन घर से दूर आपको इसको रख देना है। तो दोस्तों, यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई व्यक्ति इस तरह से यदि दुखी हो या किसी व्यक्ति से त्रस्त हो तो उसे भी मेरा उपाय ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इससे मुक्त हो सके और आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।